फेस्टिवल हो या कोई भी स्पेशल दिन, घर में पूड़ियाँ जरूर बनती हैं। अगर आप वही रेगुलर पूड़ी खा के बोर हो गए हैं, तो आज मैं 6 तरीके की पूड़ी की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है और टेस्ट एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। आज बनाएंगे लौकी पूरी, चटनी पूरी, उड़द दाल की पूरी, पालक पूरी, बीटरूट की पूरी और अजवाइन पूरी। सबसे पहले लौकी पूरी बना के रेडी कर लेते हैं। लौकी पूरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम लौकी लिया है। इसका छिलका निकाल के मैंने इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे लगभग 7 से 8 मिनट के लिए, जिससे कि लौकी अच्छे से पक जाए। मैं यहाँ पे लौकी को पैन में कुक कर रही हूँ। आप चाहे तो आप इसे प्रेशर कुक भी कर सकते हैं। मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 सीटी आने तक कुक करें। लौकी अच्छे से पक चुका है तो इसे एक अलग बोल में निकाल लेंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। लौकी का पानी बिल्कुल अच्छे से सूख चुका है, पर अगर आप जब लौकी को बॉयल करें और अगर उसमें पानी बचा हो तो उस पानी को आप साइड रखें, वो हम आटा गूंदने के काम में ले सकते हैं। पर यहाँ पे लौकी बिल्कुल अच्छे से पक चुका है, पानी बिल्कुल अच्छे से सूख चुका है, तो लौकी को ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसे ग्राइंड करेंगे। लौकी ठंडा हो चुका है तो इसे ब्लेंडर जार में डाल के इसका एक फाइन पेस्ट रेडी करेंगे। इसमें पानी डालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिना पानी का ही इसे हमें ग्राइंड करना है। ये पेस्ट बिल्कुल रेडी है, तो अब मैंने यहाँ पे 1 कप गेहूं का आटा लिया है, इसमें ये पेस्ट ऐड कर देंगे। इसी के साथ इसमें 1 छोटे चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे, 1/2 छोटे चम्मच भुने हुए जीरा का पाउडर, 1/2 छोटे चम्मच नमक और इसे अच्छे से मिक्स करके इसका एक डो रेडी करेंगे। आटा अच्छे से कंबाइन हो चुका है तो अब इसे अच्छे से नीड करेंगे। आप चाहें तो आप लौकी का पेस्ट इसमें एंड में भी ऐड कर सकते हैं, जस्ट इन केस अगर आपके लौकी में लौकी के साथ थोड़ा पानी होगा तो आटा गीला हो जाएगा, तो इसलिए आप सारी चीजें डालने के बाद लौकी का मिक्स थोड़ा थोड़ा सा ऐड करके ये आटा बनाएं। आटा बिल्कुल रेडी है तो इसे ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, आटा बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है तो इसे एक बार और नीट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सूखा आटा लिया है। अब इस आटे के छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे। सूखे आटे में इसे डस्ट करके इसे पूरी की तरह रोल कर लेंगे। बहुत पतला रोल नहीं करेंगे, मीडियम थिकनेस का हमें इसे रोल करना है। तेल को भी गर्म होने के लिए मैंने चढ़ा दिया है। इसी तरह से सारी पूड़ी बना के रेडी कर लेंगे। तेल गर्म हो गया है तो अब इसे फ्राई कर लेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, हमें पूड़ी को मीडियम हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। तेल में थोड़ा सा डो डाल के देखें, अगर इसमें बहुत ज्यादा बबल्स आ रहे हैं और ये तुरंत ऊपर फ्लोट हो रहा है, मतलब तेल परफेक्ट गर्म है। पूड़ी को डाल के इसमें हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए इसे फ्राई करेंगे। एक बार जब ये फूल जाए तो इसे पलट के दूसरे साइड से भी 3 से 4 सेकंड तक फ्राई करेंगे और इसे निकाल लेंगे। चटनी पूड़ी बनाने के लिए एक ब्लेंडर जार में 1/2 कप धनिया पत्ता लेंगे, 4 लहसुन, 1 छोटी चम्मच जीरा, 2 हरी मिर्च, इसमें थोड़ा सा पानी और 1/2 छोटी चम्मच नमक डाल के इसका एक पेस्ट रेडी करेंगे। बेसिकली हमें चटनी रेडी करनी है। चटनी रेडी है तो अब मैंने यहाँ पे 1 कप आटा लिया है, ये चटनी इसमें ऐड करके इसका एक डो रेडी करेंगे। जरूरत पड़े तो इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे, हमें इसका सॉफ्ट डो रेडी करना है। आटा अच्छे से कंबाइन हो चुका है तो अब इसे अच्छे से नीड करेंगे लगभग 2 से 3 मिनट के लिए। आटा बिल्कुल रेडी है तो इसे ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, आटा बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है तो इसे एक बार और नीट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सूखा आटा लिया है। अब इस आटे के छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे। सूखे आटे में इसे डस्ट करके इसे पूरी की तरह रोल कर लेंगे। बहुत पतला रोल नहीं करेंगे, मीडियम थिकनेस का हमें इसे रोल करना है। तेल को भी गर्म होने के लिए मैंने चढ़ा दिया है। इसी तरह से सारी पूड़ी बना के रेडी कर लेंगे। तेल गर्म हो गया है तो अब इसे फ्राई कर लेते हैं।
तेल अच्छे से गर्म हो गया है, हमें पूरी को मीडियम हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। पूरी को डाल के इसमें हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए इसे फ्राई करेंगे। एक बार जब ये फूल जाए तो इसे पलट के दूसरे साइड से भी 3 से 4 सेकंड तक फ्राई करेंगे और इसे निकाल लेंगे। उड़द की पूरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1/2 कप उड़द डाल लिया है। इसे रात भर के लिए सोक कर लिया था। इसी के साथ इसमें 1 हरी मिर्च डालेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक फाइन पेस्ट रेडी कर लेंगे। पेस्ट रेडी है तो मैंने यहाँ पे 1 कप आटा लिया है। इसमें 1/2 छोटे चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे, 1/2 छोटे चम्मच नमक, 1/4 छोटे चम्मच हींग। इसमें थोड़ा थोड़ा सा ये मिक्स ऐड करके इसका एक डो रेडी कर लेंगे। आटा अच्छे से कंबाइन हो चुका है तो इसे 2-3 मिनट तक अच्छे से नीट कर लेंगे। आटा रेडी है तो इसे कवर करके 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, आटा बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है तो इसे एक बार और नीट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सूखा आटा लिया है। अब इस आटे के छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे। सूखे आटे में इसे डस्ट करके इसे पूरी की तरह रोल कर लेंगे। बहुत पतला रोल नहीं करेंगे, मीडियम थिकनेस का हमें इसे रोल करना है। तेल को भी गर्म होने के लिए मैंने चढ़ा दिया है। इसी तरह से सारी पूरी बना के रेडी कर लेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, हमें पूरी को मीडियम हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। पूरी को डाल के इसमें हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए इसे फ्राई करेंगे। एक बार जब ये फूल जाए तो इसे पलट के दूसरे साइड से भी 3 से 4 सेकंड तक फ्राई करेंगे और इसे निकाल लेंगे। पालक पूरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी अच्छे से बॉईल कर लिया है। इसमें 200 ग्राम पालक डालेंगे। हमें बेसिकली पालक को ब्लांच करना है। इसे 1 से 2 मिनट खौलते हुए पानी में बॉईल करेंगे। पालक अच्छे से बॉईल हो चुका है तो इसे एक अलग बोल में निकाल लेते हैं। पालक थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद इसे ब्लेंड करेंगे। पालक ठंडा हो चुका है तो इसे ब्लेंडर जार में डाल देंगे। इसी के साथ इसमें 1/2 इंच अदरक डालेंगे, 2 लहसुन, 1 हरी मिर्च, इसे ब्लेंड कर लेंगे। पालक का पेस्ट रेडी है तो मैंने यहाँ पे 1 कप आटा लिया है। इसमें 1/2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 छोटे चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 छोटे चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 छोटे चम्मच नमक। अब इसमें ये पालक का प्यूरे ऐड करके इसे अच्छे से नीट कर लेंगे। आटा अच्छे से कंबाइन हो गया है तो इसे 2-3 मिनट अच्छे से नीट करेंगे। आटा रेडी है तो अब इसे कवर करके रेस्ट करने देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो गए हैं, आटा बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है तो इसे एक बार और नीट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सूखा आटा लिया है। अब इस आटे के छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे। सूखे आटे में इसे डस्ट करके इसे पूरी की तरह रोल कर लेंगे। बहुत पतला रोल नहीं करेंगे, मीडियम थिकनेस का हमें इसे रोल करना है। तेल को भी गर्म होने के लिए मैंने चढ़ा दिया है। इसी तरह से सारी पूरी बना के रेडी कर लेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, हमें पूरी को मीडियम हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। पूरी को डाल के इसमें हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए इसे फ्राई करेंगे। एक बार जब ये फूल जाए तो इसे पलट के दूसरे साइड से भी 3 से 4 सेकंड तक फ्राई करेंगे और इसे निकाल लेंगे। बीटरूट पूरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 बीटरूट को अच्छे से पील करके वॉश कर लिया था और छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। इसे 5 से 6 मिनट तक बॉईल करेंगे जब तक कि ये सॉफ्ट हो जाए। बहुत ही थोड़े से पानी में बॉईल करेंगे इसे। मैं इसे पैन में कुक कर रही हूँ, आप चाहें तो इसे प्रेशर कुक भी कर सकते हैं। मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 सीटी आने तक कुक करें। बीटरूट बिल्कुल अच्छे से पक चुका है, इसे निकाल लेंगे और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे।
बीटरूट अच्छे से ठंडा हो गया है तो इसे ब्लेंड कर लेंगे। बीटरूट अच्छे से ग्राइंड हो चुका है, मैंने यहाँ पे एक कप आटा लिया है। इसमें आधा छोटे चम्मच नमक डालेंगे, आधा छोटे चम्मच अजवाइन, आधा छोटे चम्मच गरम मसाला। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा ये बीटरूट का पेस्ट ऐड करके इसे नीट कर लेंगे। आटा अच्छे से कंबाइन हो चुका है तो इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से नीट करेंगे। आटा रेडी है तो इसे कवर करके 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, आटा बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है तो इसे एक बार और नीट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सूखा आटा लिया है। अब इस आटे के छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे। सूखे आटे में इसे डस्ट करके इसे पूरी की तरह रोल कर लेंगे। बहुत पतला रोल नहीं करेंगे, मीडियम थिकनेस का हमें इसे रोल करना है। तेल को भी गर्म होने के लिए मैंने चढ़ा दिया है। इसी तरह से सारी पूरी बना के रेडी कर लेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, हमें पूरी को मीडियम हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। पूरी को डाल के इसमें हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए इसे फ्राई करेंगे। एक बार जब ये फूल जाए तो इसे पलट के दूसरे साइड से भी 3 से 4 सेकंड तक फ्राई करेंगे और इसे निकाल लेंगे। अजवाइन पूरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप आटा लिया है। इसमें 1 छोटी चम्मच अजवाइन डालेंगे, आधा छोटे चम्मच नमक, 1 बड़े चम्मच तेल। आप यहाँ पे तेल की जगह पे घी का भी यूज कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका एक सॉफ्ट डो रेडी करेंगे। आटा अच्छे से कंबाइन हो चुका है तो अब इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छे से नीट करेंगे। आटा रेडी है तो अब इसे कवर करके 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, आटा बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है तो इसे एक बार और नीट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सूखा आटा लिया है। अब इस आटे के छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे। सूखे आटे में इसे डस्ट करके इसे पूरी की तरह रोल कर लेंगे। बहुत पतला रोल नहीं करेंगे, मीडियम थिकनेस का हमें इसे रोल करना है। तेल को भी गर्म होने के लिए मैंने चढ़ा दिया है। इसी तरह से सारी पूरी बना के रेडी कर लेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, हमें पूरी को मीडियम हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। पूरी को डाल के इसमें हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए इसे फ्राई करेंगे। एक बार जब ये फूल जाए तो इसे पलट के दूसरी साइड से भी 3 से 4 सेकंड तक फ्राई करेंगे और इसे निकाल लेंगे। तो मैंने 6 तरह की पूरी बना के रेडी कर ली है। जब भी आपको कोई अलग तरीके की पूरी खाने का मन करे तो आप इसमें से कोई भी रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। अगर ट्राई करने के बाद पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय एंड सी यू अगेन विद माय नेक्स्ट वीडियो।